जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल पटेल फिजिक्स में। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक नवंबर से आप सभी के लिए हम लेकर के आ रहे हैं फिजिक्स में महामैराथन क्रैश कोर्स, और महामैराथन क्रैश कोर्स में आप सभी के लिए एक नवंबर से रात 9 बजे हर रोज हम लाइव क्लासेस देंगे, जिसमें बिहार बोर्ड में आने वाले इस बार 2024 के लिए जितने भी संभावित क्वेश्चन हो गए मैक्सिमम से मैक्सिमम हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब तक ये आपका महामैराथन क्रैश कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तक आप लोगों के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट वीडियो जो भी आप लोगों के लिए है वो हम आपको हर रोज अपलोड करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है पिछला क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स पढ़े हुए थे, और ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे, और उसी में हम लोग स्नेल्स का लॉ भी पढ़े थे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे आगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, लाइट का रिफ्रैक्शन। लाइट का रिफ्रैक्शन किस चीज में करता है बच्चों? तो आप सभी को पता है कि लाइट का रिफ्रैक्शन स्लैब में करता है, फ्रिज में करता है कि नहीं, लेंस में करता है, और कई तरह के मीडियम्स हैं जैसे वाटर है कि नहीं, या ऑयल्स है ऐसे ट्रांसपेरेंट जिसमें आसानी से लाइट पास कर सकता है, तो उस मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है बच्चों, कि नहीं। तो उसी कड़ी में आज की क्लास में हम लोग स्लैब के बारे में पढ़ने वाले हैं, और स्लैब के बारे में हम लोग क्या सब चीज पढ़ेंगे बच्चों, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। डिस्टेंट, आप सभी को हम बताने वाले हैं स्लैब के बारे में, स्लैब क्या होता है। डिस्टेंट, हमारे हाथों में कि नहीं, ये जो रखा हुआ बच्चों यही स्लैब है कि नहीं, ये क्या होता है बच्चों? तो ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ एक क्यूबाइड के तरह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मटेरियल है, और इसमें जब भी कभी भी कोई लाइट पास करेगा बच्चों, तो लाइट पास करने की वजह से ये जो मटेरियल है स्लैब या स्लैब लाइट को डेविएट नहीं करता बच्चों, बल्कि ये शिफ्ट कर देता है लाइट को, जो जाने का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, यहाँ से जो लाइट ऐसे करके पास करेगा तो जो दिशा होता है लाइट को जाने का कि नहीं, उसी दिशा में लाइट जाता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट होता है उससे थोड़ा सा हट करके चला जाता है, और इसे हम लोग लेटरल शिफ्ट करते हैं बच्चों, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में आप सभी को हम इसी स्लैब के बारे में पढ़ाने वाले हैं कि ये जो स्लैब है बच्चों, यह डेविएशन नहीं करता है, डेविएट नहीं करता लाइट को, बल्कि लाइट को शिफ्ट करता है, तो इसमें लेटरल शिफ्ट और डेविएशन के बारे में जानेंगे। डियर बच्चों, सबसे पहले आप लोग हेडिंग देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है सो दैट द स्लैब डज नॉट प्रोड्यूस एनी डेविएशन, यानी स्लैब में किसी प्रकार के बच्चों डेविएशन नहीं होता है कि नहीं। सबसे पहले जानेंगे कि स्लैब में किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होता है, और दूसरा इसी में हम लोग प्रूफ करेंगे बच्चों कि कैलकुलेट करना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। डियर बच्चों, हमने एक डायग्राम यहाँ पर बनाए हैं जो ये स्लैब है कि नहीं, ये एक आपका स्लैब कहलाएगा बच्चों। इस स्लैब में जब भी कोई लाइट पास करेगा तो क्या सब चीज होने वाला है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको प्रूव करके बताएंगे कि स्लैब में किसी प्रकार के डेविएशन नहीं करता है, लाइट को डेविएट नहीं करता ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, किस प्रकार से इसकी डायग्राम होता है उसके बारे में आप समझिए। जैसे मान लीजिए बच्चों कि इस पर कोई लाइट इंसिडेंट किया, जैसे मान लो कि लाइट इस पर इंसिडेंट किया इस प्रकार से, ये इंसिडेंट किया है लाइट, इसे हम लोग इंसिडेंट रे कह सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि ये जो लाइट है बच्चों, यह आई एंगल पर इंसिडेंट किया है, ठीक है। अब लाइट, जैसे ये जो स्लैब है, स्लैब के चारों तरफ मान लीजिए बच्चों एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को पता है 1 होता है, और जो जो स्लैब है, स्लैब किसी मीडियम का बना हुआ है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर पर क्या हो गया बच्चों, रेयरर, आई नीचे हो गया डेंसर। आप लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़े थे, इससे पिछला वाला वीडियो जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो इससे पिछला वाला वीडियो आप देख लेंगे, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर लाइट चूंकि एयर से ये मीडियम की तरफ जा रहा है, हम लोग पढ़े हुए थे ना कि जब भी लाइट कि नहीं रेयरर से मीडियम किसी डेंसर की तरफ जाता है तो नॉर्मल के तरफ बेंड करती है, और जब भी लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है कि नहीं, नॉर्मल से दूर चला जाता है। किस प्रकार से होगा जैसे आप समझिए, जैसे ये लाइट अभी रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा बच्चों, इसको जाना कैसे चाहिए था उसको हम समझते हैं। पहले इस लाइट को जाना चाहिए था इस प्रकार से,
ये इससे सीधे जाना चाहिए था, इस प्रकार से सीधे जाना चाहिए था, इससे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये स्लैब क्या करेगा बच्चों, इसको सीधे नहीं जाने देगा, बल्कि ये थोड़ा सा बेंड कर देगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगा, और ये लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अब लाइट यहाँ पर आया बच्चों, अब यहाँ पर भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद बच्चों अब ये डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, अब ये हो जाएगा, यानी इस प्रकार से ये चला जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस बना बच्चों दोनों के बीच में, यानी ये जो हमारा आप इसे देख सकते हो, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बनेगा बच्चों दोनों के बीच में, क्योंकि जाने का जो डायरेक्शन था तो ये था, जाने का जो डायरेक्शन था ये था हमारा, ये था जाने के डायरेक्शन, लेकिन फाइनली लाइट जा कैसे रहा है बच्चों, तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा इंसिडेंट रे कहलाएगा, और ये जो है मेरा रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा, ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा, और ये जो बाहर निकला बच्चों इसको हम लोग इमरजेंट रे के नाम से जानते हैं, ठीक है, इमरजेंट रे, इसको हम लोग इमरजेंट रे भी कहते हैं। ये इंसिडेंट किया था हमारा आई एंगल पर, रिफ्रैक्ट किया मान लीजिए आर एंगल पर, तो ये आर है तो ये भी इसका आर ही एंगल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है कि नहीं, और जब भी दो लाइन पैरेलल होता है एक तीसरी रेखा काटती है तो ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर है कि नहीं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल इसका है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे, और ये वाला जो एंगल है बच्चों इसको हम लोग इमरजेंट एंगल के नाम से जानते हैं कि नहीं, इमरजेंट एंगल, यानी इसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया बच्चों, और इसको बोलेंगे इमरजेंट एंगल, इसको बोलेंगे इमरजेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है, इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, इमरजेंट एंगल है, और ये मेरा इंसिडेंट रे है, और ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमरजेंट रे है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए इसके बारे में, लाइट को एक्चुअली जाना था इसे, ठीक है, लाइट को जाना था इसे, लेकिन इस स्लाइड के वजह से बच्चों कि लाइट ऐसे नहीं जाकर के फाइनली ऐसे जा रहा है, यानी ये अपने पाथ जो है ना, ये जो पाथ इसकी इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन था वहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और ये जो शिफ्ट हुआ है बच्चों, इसी शिफ्ट को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, इसी शिफ्ट को बच्चों हम लोग, ये जो हमारा शिफ्ट किया है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के, इसे हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कहते हैं, और इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट का भी कैलकुलेशन करना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट भी कर सकते हो, इसका भी हमें कैलकुलेशन करना है। डिस्टेंस यहाँ पे सबसे पहले तुमको ये प्रूव करना है कि इस स्लैब में किसी प्रकार का डेविएशन नहीं हो रहा है। डेविएशन क्या होता है बच्चों, तो डेविएशन समझिए, क्योंकि ये जो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन था कि नहीं, ऐसे करके डायरेक्शन था, और ये जो मेरा इमरजेंट रे है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में किसी प्रकार के डेविएशन नहीं है। डेविएशन क्या होता, अगर ये जाने की डायरेक्शन ही होता और लाइट एक्चुअली में इधर जाता तो दोनों के बीच में एक एंगल बन जाता, ठीक है, और इसी एंगल को हम डेविएशन बोलते, ठीक है। तो डेविएशन नहीं होता है कि नहीं, यानी आप याद रखेंगे कि स्लाइड में किसी प्रकार के कोई डेविएशन नहीं होता है। तो हमें डेविएशन नहीं होने को कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, तो सिंपल है, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो इंसिडेंट एंगल आई है और ये जो इमरजेंट एंगल ई है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, यानी ये शो करना है कि आई ई के बराबर है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को जो प्रूव करना है कि डेविएशन नहीं करता है, यानी आई और ई आपस में क्या है बराबर। इसको प्रूव करने के लिए डियर बच्चों आप हम लोग अप्लाई करेंगे स्नेल्स का लॉ। आप कहेंगे स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, तो स्नेल्स लॉ वही जो आप लोग पिछला वीडियो में आप देख सकते हो, स्नेल्स लॉ क्या होता है कि साइन आई बट्टा साइन आर की रेशियो जो होता है से एक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो इस को प्रूव करने के लिए हम लोग चलिए स्नेल्स लॉ को यूज कर लेते हैं। डियर बच्चों सबसे पहले यहाँ पर समझ, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ भी, ऐसे हम लोग इस पॉइंट को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है हमारा, ठीक है,
और इस पॉइंट का नाम देते बच्चों कोई बी पॉइंट है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों जगह आप एसएनएस ला यूज करो। जैसे लाइट किधर से किधर गया बच्चों, तो एयर से मीडियम के तरफ गया है, उसके बाद फिर मीडियम से ये एयर के तरफ गया, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम क्या बच्चों, तो इसका एयर है, सराउंडिंग मीडियम में जो है बच्चों इसमें एयर है, ठीक है। तो सराउंडिंग मीडियम जो है बच्चों इसका ये एयर है, सराउंडिंग मीडियम इसका एयर है, ठीक है। इसमें यहां से समझेंगे सराउंडिंग मीडियम जो है इसका बच्चों एयर है। चलिए अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए एंड बी, इन दोनों जगह स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, ए पर भी और बी पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। बच्चों स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले एयर से मीडियम में गया है, तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, वन इंटू में साइन आई बराबर मीडियम में प्रवेश कर गया, तो मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां पर म्यू मान लिया है, तो म्यू इंटू में साइन आर, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहां पर इसको एक नंबर इक्वेशन मान लेते, ठीक है। और फिर यहां पर लाइट आया, यहां से लाइट यहां पर आया, फिर ये स्लैब से बाहर निकल गया, यहां भी स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो तो क्या बनेगा यहां पर, तो म्यू इंटू में साइन आर इज इक्वल टू वन इंटू में साइन ई, इसको इक्वेशन में क्या मान लेंगे, वन। इस इक्वेशन को हम कैसे यूज किए हैं अब ध्यान से समझेंगे बच्चों। जैसे एयर से लाइट पास किया मीडियम में, तो एयर से पास किया तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन होता है, इंटू में इंसिडेंट एंगल आई है तो वन इंटू में साइन आई इज इक्वल टू, अगर मीडियम में चला गया है यानी स्लैब में चला गया है तो स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू इंटू में साइन इसका जो एंगल है बच्चों वो आर है, तो म्यू इंटू में साइन आर। फिर देखो अब ये मीडियम से बाहर निकला है यानी स्लैब से लाइट बाहर निकला है तो क्या बनेगा मेरा यहां पर बच्चों, कि ये म्यू इंटू में साइन आर इज इक्वल टू बाहर आ गया तो वन, तो चूंकि सराउंडिंग मीडियम तो वन है हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो वन इंटू में साइन ए, तो बन गया ना म्यू इंटू में साइन आर इज इक्वल टू वन इंटू में साइन ए। हमारे पास दो इक्वेशन आया बच्चों, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप एड कर दो, ठीक है। लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को हम एड कर देंगे, ठीक है। जैसे एड करोगे बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पर म्यू साइन आर से म्यू साइन आर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा बच्चों ये बनेगा साइन आई इज इक्वल टू साइन ई के बराबर, ठीक है। साइन आई यहाँ पर साइन ई के बराबर आ गया, और यहीं पर अगर आप साइन से साइन को कैंसिल कर देते हो तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ गया होगा बच्चों कि आई जो है वो बराबर है किसका, तो ई का, ठीक है। आई किसके बराबर आ गया बच्चों, ई का, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हेयर द स्लैब डज नॉट प्रोड्यूस एनी डेविएशन, यानी स्लैब किसी प्रकार के कोई डेविएशन प्रोड्यूस नहीं करता है, स्लैब में कोई डेविएशन नहीं होता है। कैसे प्रूव कर दिया हम, जैसे ध्यान समझिए, इस स्लैब में ये जो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन था, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ये लाइट पास करता है, इसको प्रूव करने के लिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होना पड़ेगा। तो इस दोनों को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिए और उसी स्नेल्स लॉ के हेल्प से हम लोगों ने देखा कि आई एंगल ई के बराबर हो गया, सो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्लैब किसी प्रकार के कोई डेविएशन प्रोड्यूस नहीं करता है, कि नहीं। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पर दो थ्योरी है, सबसे पहला में तो आप देखें कि स्लैब डेविएशन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसमें हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि स्लैब में किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होता है, कि नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन से जुड़ा हुआ बच्चों, कि हमें ये भी कैलकुलेट करनी है कि इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये जो d की वैल्यू है बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलो या लेटरल शिफ्ट बोलो, ये कितना होता है, कितना दूर चला गया है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से, इसको भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यही हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कहलाता है। चलिए हम लोग जानते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो
लिखेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यहां पर जानेंगे लेटरल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्मॉल डी से या नहीं तो बुक सम में एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को आप डी से या स्मॉल एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहां से समझिए बच्चों, यहां पे ये जो मेरा डी है दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे यहां पर। ठीक है, सबसे पहले ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है उसका हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। जैसे इसका डिफिनेशन बहुत आसान है बच्चों, जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये जो है इमर्जेंट रे है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, यही मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका डिफिनेशन आप बना सकते हो कैसी, कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस था बच्चों, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का, यही मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है उसके बारे में समझिए। लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले में ये डिपेंड करता है द नेचर ऑफ द मटेरियल, ऑफ स्लैब, स्लैब किस प्रकार के मटेरियल से बना हुआ बच्चों, उस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है बच्चों द सराउंडिंग मीडियम, इसकी सराउंडिंग मीडियम क्या है, यानी उसके चारों तरफ किस प्रकार के मीडियम है, और तीसरा जो डिपेंड करता है इससे बच्चों, यह डिपेंड करता है कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट पे। ठीक है, ये कलर ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बच्चों हम लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले डिपेंड करता है ये जो स्लैब किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, स्लैब के चारों तरफ के जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है, एयर है या कोई और चीज है, उस पर भी डिपेंड करता है, और तीसरा डिपेंड करता है बच्चों कि नहीं कि यहां पर ये कलर ऑफ लाइट किस प्रकार के कलर इसमें पास करता है, क्योंकि अलग अलग कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है, इसलिए इस पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग अब चलते हैं इसका डेरिवेशन पे बच्चों। ठीक है, डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो डेरिवेशन के बारे में थोड़ा सा समझिए, इस डायग्राम में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा डेरिवेशन करने के लिए। हम लोग क्या करने वाले बच्चों कि जैसे ये स्लैब है, मान लीजिए इस स्लैब का जो थिकनेस है वह टी है, जैसे मान लो ये स्लैब का जो थिकनेस है बच्चों ये टी है, इसका थिकनेस यहां से यहां तक टी है। ठीक है, और हम लोग इसको ऐसे करके मिला देते हैं और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई सी पॉइंट नाम दे देते हैं बच्चों, और यहां पर एक लाइन खींच देते हैं, यहां मिला देते हैं, और इसको हम लोग किसी डी पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है, ये डी पॉइंट नाम दे देते हैं,
अब यहां से समझिए, क्योंकि लाइट जो था शुरू में ऐसे करके जा रहा था, ठीक है, जाना चाहिए था इसे, लेकिन एक्चुअली रेयरर से डेंसर की तरफ गया तो लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरह बेंड किया है। तो ये जो हमारा एंगल है, इस एंगल को हम डेल्टा नाम दे देते, छोटा सा एंगल है, डेविएट किया है शुरू में थोड़ा सा, पहले यहां डेविएशन किया है, ठीक है, यहां पर आया है, फिर ये ऊपर की तरफ चला गया है, लेकिन नेट डेविएशन इसका जीरो हो गया, ठीक है, जब ये इमर्ज किया बाहर निकला तो उसके बाद उसकी डेविएशन जीरो हो गया, और यहां का एंगल को हम लोग डेल्टा नाम दे देते हैं। चलिए, यहां पर इस स्लैब के अंदर बच्चों दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखता होगा, प्रूव करना बिल्कुल आसान है, एक थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो हम लोग तुरंत इसको प्रूव कर लेंगे। जैसे समझिए, ये यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखता होगा, एक ट्रायंगल आपको ये दिखता है राइट एंगल, ये वाला ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है ए डी बी, यानी ये वाला ट्रायंगल आपका है एक समकोण त्रिभुज, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों हमारा ए सी बी है, और ये इसका 90 एंगल है राइट एंगल, लेकिन तो ये भी हमारा दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, तो यहाँ पर दो दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं ए डी बी के अंदर में कुछ वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद ए सी बी के अंदर में भी कुछ वैल्यू निकालेंगे, और दोनों के हेल्प से हम लोग आसानी से इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग इस ट्रायंगल में ए डी बी ट्रायंगल में, ठीक है, ए डी बी ट्रायंगल में लिखेंगे यहां पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में हम लोग यहां पे लेने वाले हैं साइन डेल्टा इज इक्वल टू, जैसे आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, यहां पे लेने वाले हैं साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन डेल्टा बराबर क्या होगा इसका, जैसे ये डेल्टा है तो सामने डेल्टा के सामने क्या होगा इसका, ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, ए डी क्या है इसका बेस है, और बी डी क्या है मेरा परपेंडिकुलर है, और ए बी मेरा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो साइन डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा पी बाय एच, पी क्या होगा मेरा, यानी बी डी जो है मेरा ये परपेंडिकुलर पी और एच कौन है, तो ये ए बी है, तो आप देख सकते हो बी से डी की दूरी किसके बराबर है, इस डी के बराबर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डी के बराबर है, ठीक है, हम यहाँ पर साइन डेल्टा के जगह पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर अगर साइन डेल्टा अगर आपको बोले तो आप कह सकते हो क्या चाहिए डी बट्टा में ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा डी बट्टा ए बी, तो डी बाई ए बी, ठीक है, इसीलिए अगर हम यहां से डी की वैल्यू फाइंड करें तो आ जाएगा ए बी साइन डेल्टा, ए बी साइन डेल्टा कुछ नहीं है, बस यहां पर हम एक साइन डेल्टा की वैल्यू निकाल रहे हैं इस ट्रायंगल में, तो साइन डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों डी, यानी कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है डी के बराबर है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो डी बट्टा ए बी, इसीलिए हम लोग जब डी निकाले यहां से तो डी निकालने पर आ गया ए बी साइन डेल्टा। अब एक चीज आ रहा हूं बच्चों, देखो यहां पर चूंकि लाइट को जाना तो था इससे करके सीधे, लेकिन लाइट ऐसे करके बेंड किया, तो ये वाला जो एंगल बच्चों, ये वाला एंगल पूरी एंगल ये आई है हमारा, ठीक है, और ये जो एंगल है बच्चों ये अगर आई है तो ये भी पूरा आई ही होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये आपस में इस प्रकार से है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा बच्चों बराबर होता है, ठीक है, तो पूरे आई है, अगर पूरा देखा जाए बच्चों तो ये हमारा क्या है आई है, ये पूरा आई है, ठीक है, ये पूरा आई है, तो हम यहां पर डेल्टा का वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा कितना होगा, डेल्टा हो जाएगा मेरा आई माइनस कितना आर, अब कहेंगे कैसे हो जाएगा, तो देखो ना क्योंकि आर और डेल्टा को जोड़ने पर मेरा आई के बराबर है, यानी कि आर और डेल्टा को जोड़ने पर ये तो आई के बराबर है ना, तो डेल्टा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आई माइनस आर हो जाएगा ना, तो यहां पर यही वाला वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी साइन आई माइनस आर, ठीक है, आई माइनस आर। अब यहां पर ए बी की वैल्यू कैसे आएगा, ठीक है,
AB की वैल्यू लाने के लिए बच्चों अब इसको ऐसे कर देते हैं, इसको एक नहीं फिर से पहला नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, ये अलग है वो अलग था इक्वेशन जो माने थे, ये पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं, ठीक है। फिर से लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों, तो सेकंड ट्रायंगल ये है मेरा ए सी बी में इस ट्रायंगल में, समझे कि नहीं, इस ट्रायंगल में हम लोग कॉस आर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कॉस आर का वैल्यू निकालेंगे, और कॉस आर क्या होगा बच्चों, इसमें आप समझिए कॉस आर का वैल्यू, तो आर ये है तो सामने वाला क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या हो जाएगा ए सी मेरा बेस हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यानी इस ट्रायंगल के हिसाब से तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जैसे बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा बेस कितना ए सी मेरा बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए बी, हाइपोटेन्यूस क्या होगा मेरा ए बी, तो आप यहाँ पर पुट कर दो ना, यहाँ पर पुट कर दो क्या चीज, तो बेस यानी कि यहाँ पे अब बेस इसका क्या हो जाएगा, जैसे बेस ए बी ए सी बाय ए सी बाय ए बी, ठीक है, तो ए सी बाय ए बी लिखेंगे ए सी बाय ए बी बाय ए बी, ठीक है, और ए सी का जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे आप देख लो ए सी की वैल्यू, ए से सी का जो वैल्यू है ये हमारा कितना है टी है, ये ए सी का वैल्यू, ए सी जो है वो टी है, तो यहाँ पर हम ए सी की जगह पर लिख सकते हैं टी बाय ए बी, ठीक है, तो कॉस आर इज इक्वल टू टी बाय, सो यहाँ पर अगर आप लोग इसको ऐसे कैलकुलेशन करते हो, जैसे यहाँ पे ए बी की वैल्यू अगर निकालते हैं, ए बी की वैल्यू तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस आर, ठीक है, और इससे हम लोग सेकेंड नंबर इक्वेशन भी मान सकते हैं। अब ध्यान से देखो, फाइनली हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए, अब चूंकि पहले वाला इक्वेशन हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ए बी की जरूरत था हमें, और यहाँ पर देखो कि नहीं सेकेंड इक्वेशन में ए बी की वैल्यू आ गया कि नहीं, तो ये जो ए बी की वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन में, यही वाला वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, ताकि ए बी के जगह पर आ जाएगा टी कॉस कि नहीं टी कॉस, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग बच्चों ए बी, ये हो जाएगा टी बाई कॉस आर, ठीक है, और ये वाला वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करने वाले हैं, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले, ठीक है, तो इसको सेकेंड नंबर है, चलिए हम लोग लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन फर्स्ट, ए बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है, यहां पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी की जगह पर टी बाय कॉस आर इंटू में कि नहीं, ये हो जाएगा आई माइनस आर, तो ये वाला वैल्यू बन जाएगा बच्चों कि यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू टी इंटू में साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, ठीक है, और ये जो वैल्यू मेरा निकल गया यही मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या इसी को बच्चों लेटरल शिफ्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो आई होप इस प्रकार से आप लोगों को हमने ये 5 मार्क की क्वेश्चन आपको बताए, जिसमें आप सभी को सबसे पहले कि स्लैब क्या होता है उसके बारे में बताए, और स्लैब के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पे डेविएशन प्रोड्यूस नहीं होता है उसको प्रूव किए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है उसको प्रूव किए, और आगे हम लोगों ने लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है उसके बारे में बताए, ये किस पर निर्भर करता है उसके बारे में बताए,
और यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन भी हम लोगों ने करके देखे और फाइनली हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आया डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, जहाँ पर डी हमारा लेटरल शिफ्ट है या लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, टी उस स्लैब का थिकनेस है और साइन आई माइनस आर, आई जो है बच्चों यह इंसिडेंट एंगल है और आर है रिफ्रेक्टेड एंगल, कि नहीं। और इस प्रकार से हम लोगों ने आज लेटरल डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन किए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे बच्चों, ताकि और भी आप लोगों की तरह जो ट्वेल्थ में होगा, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले होगा बच्चों, वो इस वीडियो के माध्यम से अपना डॉट्स क्लियर कर सके। इसी प्रकार की वीडियो हर रोज़ आप लोगों के लिए लाएंगे बच्चों। आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पटेल फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच इस चीज़ को भेजें, ताकि वो भी आप लोगों के साथ ये हमारा इस मुहिम से जुड़ सके और ये भी किन्हीं अपना इस माध्यम इस YouTube के माध्यम से अपना क्लास कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।